बहुत सारे फेस वॉशेस फिनिश किए हैं लास्ट ईयर, यहाँ पे बहुत ज्यादा ऐसे दाने भर जाते हैं ना, ये तभी मुझे बहुत अच्छे से सूट करती है। इज द एक्चुअल टिंट जो इंडियन स्किन को ब्यूटीफुली सूट करता है। बॉटल पे ऐसे ब्लैक ब्लैक हो गया है, सो प्रोडक्ट जो है वो यहाँ से पूरा ऑक्सीडाइज हो गया है। अब ना प्रोडक्ट निकल रहा है ना कुछ हो रहा है, लिटरली स्टक हो गया वैसे। Hi guys, my name is Kashika. Welcome back to my channel. I hope you're healthy and happy wherever you are. It's time for our ritual जो हम बहुत पहले किया करते थे लेकिन अब नहीं कर पाए because मुझे बहुत time लग गया। I'm really sorry. I think ये video की request मेरी शादी के time से आ रही है and it's been one year now. So you can call it 2023 product empties because बहुत सारे products हैं। Literally अब ये box ऐसा हो गया कि बंद भी नहीं हो रहा, भर भी गया है। So मुझे लगा अब तो ये video film कर ही लेते हैं because काफी ज़्यादा delay हो गया था। So आज की video में आपको बहुत सारे products empties देखने को मिलने वाले हैं। Will I repurchase it or not? काफी सारे अच्छे हैं, काफी सारे ब्लह हैं, तो आपके पैसे ही बचने वाले हैं। आपको पता चल जाएगा क्या चीज आपको नहीं लेनी और क्या चीज लेनी है। दिस वीडियो विल बी लाइक फुल ऑफ कशिका ज्ञान, सो मेक श्योर हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द लाइक बटन एज वेल बिकॉज आई नो आपकी वीडियो काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। एंड नाउ लेट्स गो। मैंने रिसेंटली बनाया था 2023 फेवरेट्स, जिसके अंदर मैंने स्किन केयर, बॉडी केयर बहुत सारे प्रोडक्ट्स को फीचर किया था। सो उसमें ये वाले प्रोडक्ट्स भी थे। मैंने बोला भी था कि आपको एमटीज में भी देखने को मिलेंगे। सो एक दो प्रोडक्ट्स रिपीट होने वाले हैं, बट नेवर माइंड। आई पर्सनली लव दीज मॉइस्चराइजर। सबसे पहले है न्यूट्रीडर्म का मॉइस्चराइजिंग लोशन विद विटामिन ई। दिस इज सुपर सुपर गुड फॉर ऑयली स्किन। अगर आपकी सुपर ऑयली स्किन है, आपको गर्मियों के लिए एक अच्छा मॉइस्चराइजर चाहिए जो लाइट भी हो, आपको एक्ने ना दे, पोर्स को ब्लॉक ना करे, दिस इज रियली नाइस। एक तो काफी बड़ा आपको अच्छी खासी साइज की ट्यूब मिलती है। इसका प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है, बट फॉर द प्राइस पॉइंट इट प्लेज रियली वेल। मैंने इसको अपने एक्सट्रीम एक्ने कंडीशन में भी यूज किया हुआ, जब यहाँ पे बहुत ज्यादा ऐसे दाने भर जाते हैं ना, ये तभी मुझे बहुत अच्छे से सूट करती है। इट्स लाइक अ नो फर्स्ट मॉइस्चराइजर। आजकल मार्केट में आपको मॉइस्चराइजर्स मिलते हैं ना, पता नहीं क्या क्या डाला होता है, रेटिनॉल, नियासिनमाइड, विटामिन सी। सो इसमें तो कुछ नहीं है, ये एक सिंपल विटामिन ई मॉइस्चराइजर है जो ब्यूटिफुली सूट करता है प्रॉब्लमेटिक एक्ने प्रोन स्किन को। फ्रॉम द सेम ब्रांड आई हैव द डर्मावीव नेचुरल कोलॉइडल ओटमील मॉइस्चराइजिंग लोशन। ये अपने आपको लोशन बोलते हैं, बट इट्स लाइक अ मॉइस्चराइजर कंसिस्टेंसी ओनली। ये विंटर्स के लिए बहुत अच्छा। So, अगर ये वाला मॉइस्चराइजर मैं आपको समर्स में रिकमेंड करूंगी, ये वाला मॉइस्चराइजर मैं आपको विंटर्स में रिकमेंड करूंगी। ये मैंने अभी विंटर्स में ही फिनिश किया है। दिस इज रियली नाइस एंड हाइड्रेटिंग। जो एकदम सूखी ड्राई स्किन होती है ना, काफी बार ऐसे फ्लेकीनेस हो जाती है, पैचेस पड़ जाते हैं, उस कंडीशन में ये वाला मॉइस्चराइजर बहुत ब्यूटीफुली वर्क करता है। सो डेफिनेटली ट्राई इट। नेक्स्ट अप आई हैव टू सनस्क्रीन जो लिटरली मैं अपने घर से लेके आई हूँ, बिकॉज अभी रिसेंटली जब मैं अपने घर गई थी मुझे दिख गई एमटीज में, आई वाज लाइक आई हैव टू कैरी इट बिकॉज मुझे अपनी एमटीज की वीडियो में भी फीचर करना है। शादी हुई है ना, तो काफी सारे प्रोडक्ट्स मेरे वहां पे आधे यहाँ पे, तो यार थोड़ा मेस हुआ हुआ है। बट दीज टू सनस्क्रीन्स आर लाइक फिनिश्ड इन 2022, यू कैन से, बिकॉज फेब के 2023 में मेरी शादी हो गई थी। तो उससे पहले जो मैंने सनस्क्रीन यूज करी थी वो यही दो थी। सबसे पहले है डर्माको की 1% हाइलुरोनिक टिंटेड सनस्क्रीन जेल। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। तो इट्स अ टिंटेड सनस्क्रीन। आई थिंक इसमें अभी भी है थोड़ी सी, मैं इसको लेके आ गई कि इसको मैं थोड़ा फिनिश करूंगी। ओके, थोड़ा सा इसमें प्रोडक्ट है। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। स्किन कलर की है, हल्का हल्का टिंट आता है एंड इट इज लाइक अ प्राइमर सॉर्ट ऑफ सनस्क्रीन। ये एकदम ऐसे आप लगाओगे ना, आपको लगेगा आपको सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर लगा रहे हो। हल्का सा ये टिंट भी देती है फेस को। सो अगर आप एवरीडे ऑफिस या वर्क के लिए कोई सनस्क्रीन देख रहे हो ना जो एकदम स्मूथ बना दे आपकी स्किन को, जो भी एक्ने होते हैं, पोर्स होते हैं, उसको फिल इन कर दे, बिकॉज अगर आप इसको डायरेक्टली लगाओगे ये प्राइमर का भी हल्का सा एक टिंट का भी काम करेगी। उसके ऊपर आप ब्लश लगा लो, लिपस्टिक लगा लो एंड यू गुड टू गो। आपको अलग से कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। द ओनली थिंग इज ये जो सिलिकॉन बेस्ड सनस्क्रीन होती है ना, जिनके अंदर सिलिकॉन बहुत ज़्यादा डला होता है, आपको इसको डबल क्लेंजिंग से हटाना होता है, बिकॉज अगर आप रात को माइसला वाटर से रिमूव करोगे ना, ये रिमूव नहीं होगी बिकॉज इसमें सिलिकॉन बहुत ज़्यादा हैवी है। आपको लिटरली ऑयल क्लेंजिंग करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपको फिर एक्ने हो सकते हैं। सो या इफ़ यू आर रेडी फॉर डेली बेसिस ऑयल क्लेंजिंग, तो आप ये डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। इट्स अ फिजिकल सनस्क्रीन। इसमें जिंक है, टाइटेनियम है, हाइलुरोनिक एसिड है, देन इट्स अ क्विक अब्सॉर्बिंग एंड फ्रेग्रेंस फ्री फॉर्मुला। नेक्स्ट अप इन द सिमिलर पैकेजिंग वी हैव एक्वालॉजिका। ये है एक्वालॉजिका की ग्लो प्लस डूई सनस्क्रीन। दिस इज हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक। आई लव द स्लीक पैकेजिंग। आप इजिली इसको अपने ट्रैवल बैग में कैरी कर सकते हो। सो एज द नेम सेज डूई, ये काफ़ी ज़्यादा डूई है, नरिशिंग है, हल्की हल्की ग्रीसी भी हो सकती है ऑयली स्किन के लिए। सो अगर आपकी एक्सट्रीमली ऑयली स्किन है, अभी जो समर्स आने वाली है उसके लिए आप देख रहे हो, तो आई थिंक दिस इज नॉट द राइट फिट। अगर आपकी ड्राई स्किन है, कॉम्बिनेशन या हल्का फुल्का ड्राइनेस रहती है, या फिर सनस्क्रीन लगाने के बाद एकदम वो मैट फील आपको नहीं पसंद, आपको एक हल्की सी डूई शाइनी फील पसंद है, फिर आप उसके ऊपर कॉम्पैक्ट पाउडर लगा के भी सेट कर सकते हो, तो आप ये सनस्क्रीन ले सकते हो। रियली नाइस। दोनों ही सनस्क्रीन SPF 50
PA++ है, सो रियली नाइस सन प्रोटेक्शन विद देम एज यूजुअल क्लमजी मी. नेक्स्ट वी हैव माइसेलर वाटर. सबसे पहले है बायोडर्मा का CBM H2O माइसेलर वाटर, जिसको खत्म करने में काफी ज्यादा टाइम लग गया बिकॉज इट्स अ ह्यूज बॉटल. सो बायोडर्मा का जो फेमस माइसेलर वाटर है वो पिंक कलर का है, जो सेंसिटिव स्किन के लिए बना है, लेकिन ये वाला बना है स्पेसिफिकली एक्ने प्रोन ऑयली स्किन के लिए. सो अगर आपकी भी एक्ने प्रोन ऑयली स्किन है तो ये काफी अच्छा माइसेलर वाटर है. बायोडर्मा के माइसेलर वाटर थोड़े से प्राइजी होते हैं, बट दे आर वर्थ एवरी पेनी. लाइक इफ यू हैव सेंसिटिव स्किन ना, आप किसी अच्छे डर्मेट के पास भी जाओगे, वो भी आपको बायोडर्मा ही सजेस्ट करेंगे बिकॉज ये एक्ने प्रोन स्किन को ब्यूटिफुली सूट करता है. या रियली नाइस. इसका नाम भी है प्योरिफाइंग क्लेंजिंग माइसेलर वाटर. दिस इज फॉर कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन. सो अगर आपकी स्किन टाइप है, ट्राई दिस वन. दिस इज अ डेफिनेट ये फ्रॉम माय साइड. नेक्स्ट माइसेलर वाटर मुझे थोड़ा सा जेंटल लगा. यह है सिंपल का माइसेलर क्लेंजिंग वाटर. सो सिंपल एज अ ब्रांड इज रिनोन फॉर जेंटल क्लेंजिंग. मतलब इनका फेस वॉश बहुत जेंटल है, माइसेलर वाटर काफी जेंटल है. तो अगर आप हल्का फुल्का लाइक सनस्क्रीन लगाई है, थोड़ा बहुत मेकअप करते हो, तो ये माइसेलर वाटर काफी अच्छा है. बट फॉर हैवी मेकअप ये इतना अच्छा से वर्क नहीं करेगा बिकॉज ये काफी ज्यादा जेंटल है. मैंने खुद डिफरेंस देखा है. जब मैं बायोडर्मा यूज करती थी, मेरे कॉटन पैड पे सारा गंग जो भी मेकअप होता था रिमूव हो जाता था, लेकिन इसके साथ वो ऐसा नहीं होता. तो ये काफी जेंटल माइसेलर वाटर है. अगर आप थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मेकअप करते हो ना, तो आप ये ले सकते हो. दिस इज काइंड टू स्किन. इसके अंदर कोई परफ्यूम, कलर, हार्श केमिकल नहीं है, नो एल्कोहल, नो मिनरल ऑयल, नॉन एनिमल डिराइव्ड फॉर्मुलेशन. सो ये हाइड्रेट भी करता है लेकिन जेंटली मेकअप को रिमूव करता है. नेक्स्ट अप आई हैव माय बायो ट्रू का लेंस सॉल्यूशन. ये तो मेरे हमेशा एमटीज में होता ही होता है बिकॉज मंथली मुझे इतनी बड़ी बॉटल लगी जाती है. आई हैव पावर्ड आईज, तो मैं बहुत ज्यादा लेंसेज पहनती हूँ एंड आई क्लीन देम. जब वापस रखती हूँ तब भी क्लीन करती हूँ, कभी कभी हाथ से गिर जाता है तो दोबारा क्लीन करना होता है. सो या ये बॉशन लॉन्ग का बायो ट्रू लेंस सॉल्यूशन है. आई केप्ट इट जस्ट इन केस कोई लेंसेज पहनता हो, उनको रिकमेंडेशन चाहिए हो. बाय द वे सबके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सो प्लीज चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. दिस इज द क्योर्स SPF 50 UVA UVB टिंटेड सनस्क्रीन. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. ये बहुत प्यारा टिंट है. लाइक इज द एक्चुअल टिंट जो इंडियन स्किन को ब्यूटिफुली सूट करता है. इट हैज दैट ऑरेंज कलर. अगर इसमें से होगा थोड़ा निकलेगा, थोड़ा बचा हुआ रेसिड्यू निकल रहा है. सो निकला थोड़ा सा निकला. मैंने लिटरली ये निचोड़ दी थी बिकॉज आई रियली लव्ड इट इन समर्स. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. कैन यू सी इसका एक हल्का सा एक ऑरेंजिश टिंट आता है एंड दिस इज नाइस. काफी अच्छे से लाइक सन प्रोटेक्शन तो देता ही है. प्लस इट इज मैट. दिस इज द ओनली सनस्क्रीन दैट आई हैव दैट हैज मैट फिनिश. मतलब बिल्कुल स्किन को ऐसे मैट बना देती है. कोई ऑयलीनेस, ड्यूईनेस, ग्रीसीनेस फील नहीं होती. सो जो एकदम पीक वाली समर्स होती है ना, मई जून जुलाई वाली, ये सनस्क्रीन बहुत अच्छी है. मैंने खुद लास्ट ईयर समर्स में यही यूज करी. दिस इज ऑल्सो ऑक्सीबेंजोन एंड OMC फ्री. काफी सारी सनस्क्रीन में आपको OMC ऑक्सीबेंजोन मिलता है. एंड इफ यू हैव PCOD, इफ यू हैव लाइक हॉर्मोनल इश्यूज, तो बोला जाता है वैसी वाली सनस्क्रीन नहीं यूज करनी चाहिए. एंड प्रेगनेंसी के टाइम भी वो वाले इंग्रीडियंट सेफ नहीं रहते. यू कैन बाय दिस फ्रॉम क्योर्स ऑफिशियल वेबसाइट, नॉट स्पॉन्सर्ड बाय द वे, जस्ट टेलिंग यू गाइज. मेरा कोड है क्योर्स पर, आप वो यूज कर सकते हो, आपको एक्स्ट्रा ऑफ भी मिल जाएगा. बाकी सारी डिटेल्स मैं नीचे डाल दूंगी. नेक्स्ट अप वी हैव मॉइस्चराइजर. सबसे पहले है मामा मॉइस्चराइजर, देन बेबी मॉइस्चराइजर. दोनों सेम रेंज के हैं, मैंने लास्ट ईयर ही परचेज करे थे. सो ये मुझे PR में आया था, लॉरियल ने भेजा था. मैंने उनके साथ एक पेड कैंपेन किया था एंड आई रियली लाइक इट. मतलब आप देख सकते हो मैंने पूरा फिनिश कर दिया. आई थिंक मैंने आपको साइड से दिखाया है. दिस इज द नेम, रिवाइटलिफ्ट हाइलुरोनिक एसिड प्लम्पिंग क्रीम. मुझे बहुत अच्छी लगी है समर्स में स्पेसिफिकली. इट्स लाइक दैट नाइस लाइट हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर जो सिंपली आपकी स्किन को प्लम्प करता है. ये मेकअप से पहले मुझे काफ़ी अच्छी लगी. सो अगर आप भी लाइक फुल कवरेज मेकअप करना चाहते हो या फिर आप फाउंडेशन लगाते हो वो क्रैक होता है, ड्राई ड्राई फील होता है, तो बेस पर एक बार ये वाला मॉइस्चराइजर लगा के देखो. बहुत अच्छा इससे इफेक्ट आता है. और फिर रिसेंटली जब समर्स ऑलमोस्ट खत्म होने वाली थी, आई थॉट रीस्टॉक करते हैं, लेकिन छोटी लेती हूँ बिकॉज फिर विंटर्स में मुझे पता है ये काफी लाइट रहेगी बिकॉज ये एक जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर है, तो विंटर्स में इतनी ज्यादा नरिशमेंट ये नहीं प्रोवाइड करेगा. ऑल्सो दिस इज अ वेरी गुड ड्यूप ऑफ क्लिनिक मॉइस्चर सर्च बिकॉज क्लिनिक का वो मॉइस्चराइजर 3-4 हज़ार का आता और ये आपको हार्डली अंडर ₹1000 मिल जाएगा नायका से. सो या इट्स अ नाइस ड्यूप दैट एक्चुअली वर्क्स रियली वेल. डेफिनेटली अ थम्स अप फ्रॉम माय साइड. एंड वी हैव मोर लेंस सॉल्यूशन. ये रेनो का तो हमेशा मैं ट्रैवलिंग के लिए रखती हूँ बिकॉज जब मैं ट्रैवल करती हूँ मैं एक छोटा लेंस सॉल्यूशन हमेशा रखती हूँ. ओके, नेक्स्ट अप वी हैव अ शैम्पू. दिस इज फ्रॉम ब्रिलेयर. आई डोंट नो हाउ यू प्रोनाउंस दिस ब्रांड, ब्रिलेयर, ब्रिलेयर, आई डोंट नो. ये मैंने अपने स्मिटन के पॉइंट से लिया था. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. काफी सारे जो प्रोफेशनल सैलॉन्स होते हैं ना, वहाँ पे ये वाली ब्रांड के प्रोडक्ट्स मैंने देखे हैं. यू कैन सी द लोगो. अगर आप कोई सैलॉन में भी जाओगे आप डेफिनेटली आपने ये देखा ही होगा. सो ये है उनका हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू. इसके अंदर 86% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है. नाउ आई एम पर्सनली अगेंस्ट द होल कंसेप्ट
ऑफ हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पूज, क्योंकि हेयर फॉल जो होता है ना वो या तो ऑयलिंग, कोई हेयर ट्रीटमेंट हो, कोई हेयर सीरम हो, या फिर कोई ऐसी चीज़ हो जो इन्फ्यूज हो ना आपके बालों में, वो हेयर फॉल को कंट्रोल कर सकती है। लेकिन शैम्पू का जो काम होता है ना वो होता है क्लेंजिंग, सिंपली क्लेंज करना आपके बालों को। इसको शट कर देते हैं बिकॉज बबल्स बन रहे हैं। जब लास्ट में खत्म होता है ना तो मैं पानी डाल के ऐसे शेक शेक करके निकालती हूँ, बिकॉज वी आर इंडियंस, वी ऑलवेज वसूल द प्रोडक्ट टिल द एंड। सो आई कमिंग बैक टू द टॉपिक, शैम्पू का काम हेयर फॉल कंट्रोल करना नहीं होता। सो या आई वुड से इसको खाली ऐसा शैम्पू यूज़ करो, अच्छा शैम्पू है, क्लेंज अच्छे से होता है, इसमें से खुशबू बहुत अच्छी आती है जो बालों में से भी आती है बाद में। सो अगर आपको स्मिटन में कहीं पॉइंट्स में या फिर ट्रायल पॉइंट्स में दिखेगा ना, आप डेफिनेटली ले सकते हो। इट्स अ नाइस डिसेंट क्लेंजिंग शैम्पू एंड दैट्स इट, इससे कोई हेयर फॉल कंट्रोल नहीं होता। नेक्स्ट अप आई हैव माय फेवरेट सनस्क्रीन, दिस इज बाय विशकेयर। यह विशकेयर की इनविजिबल जेल सनस्क्रीन, मैंने रिसेंटली इसका एक और पेड प्रमोशन शूट किया है। इसको तो लास्ट ईयर मैं 2-3 बार पेड प्रमोशन में प्रमोट कर चुकी हूँ, काफ़ी बार मैं अपनी ऑर्गेनिक वीडियो में भी फीचर कर चुकी हूँ, एंड यू कैन सी मैंने पूरी निचोड़ दी है। आई पर्सनली लव्ड इट, काफ़ी अच्छी सनस्क्रीन है, मतलब स्किन को एक सन प्रोटेक्शन बहुत अच्छी देती है, लाइट है, कोई भी तरह की वो पील्स नहीं बनते, कोई भी तरह की वाइट कास्ट नहीं आती, एंड दिस इज ऑक्सीबेंजोन एंड OMC फ्री। मैं डेली बेसिस पे कोशिश करती हूँ वही सनस्क्रीन यूज़ करूँ जिनके अंदर ऑक्सीबेंजोन OMC नहीं होता, विच इज़ लाइक सेफ फॉर मी एज वेल, बिकॉज मुझे भी हार्मोनल इशूज़ हैं। सो या उस केस में काफ़ी अच्छी सनस्क्रीन है, रियली नाइस। ये भी आप विशकेयर की वेबसाइट से ले सकते हो, यू कैन यूज़ माई कोड फॉर एक्स्ट्रा ऑफ। नेक्स्ट वी हैव अनदर प्रोडक्ट फ्रॉम बायोडर्मा, यह है बायोडर्मा का CBM नाइट पील। दिस वन इज रिकमेंडेड बाय माई डर्मैट। लास्ट टू लास्ट ईयर 2022 में जब मैंने रोका हुआ था उसके बाद मैंने पूरा डर्मैट का एक कंसल्टेशन लिया था, मैंने फुल बॉडी लेजर भी लिया था, अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने स्किन का भी पूरा कंसल्टेशन लिया था। तो तब उन्होंने मुझे ये नाइट पील रिकमेंड करी थी, और इसमें है अभी थोड़ी सी, मैंने जस्ट इसको यूज़ करना बंद कर दिया बिकॉज अब मैं वाले प्रोडक्ट्स इतने यूज़ नहीं कर रही। ऑल्सो आई थिंक एक्सपायर भी हो गया बिकॉज लास्ट टू लास्ट ईयर का है। सो इट्स लाइक अ जेल लाइक प्रोडक्ट, और इसको क्या करना होता है, मुझे उन्होंने बोला था वीक में एक बार, लाइक एवरी संडे आप एक शेड्यूल बना सकते हो, रात को इसका एक लाइट लेयर लगा के सो जाना। दिस बेसिकली प्रॉपर पीलिंग सोल्यूशन, जैसे हम AHA BHA पील यूज करते हैं फ्रॉम ऑर्डिनरी और डर्मा को, ये उसी का ये एक वेरिएंट है, लेकिन जेंटल वेरिएंट है। इट इज स्मूथिंग कंसंट्रेट कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन विद ब्लेमिशेस। सो इसके अंदर ग्लाइकोलिक एसिड है, इसके अंदर वो सैल्सिलिक एसिड BHA नहीं है, इसके अंदर सिंपली ग्लाइकोलिक एसिड है जो जेंटली एक्सफोलिएट करता है स्किन को, जो भी वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स होते हैं उसको हटाता है, कहीं ना कहीं न्यू स्किन को जनरेट करने में हेल्प करता है। और उसको लगाते ही वही टिंगलिंग सेंसेशन आती है, जैसे वो इची इची सेंसेशन होती है ना, बिल्कुल वैसी वाली सेंसेशन आती है। बट इसको खाली एक लाइट लेयर लगानी है रात को और सो जाना है। दिस इज लाइक डर्मैट रिकमेंडेड। सो अगर आप भी एक डर्मैट रिकमेंडेड सेफ प्रोडक्ट यूज करना चाहते हो एज अ पील, यू कैन डेफिनेटली ट्राई इट। नेक्स्ट वन इज ऑल्सो अ डर्मैट रिकमेंडेशन दैट आई फेल इन लव विद, और उसके बाद तो मैंने 2-3-4 पता नहीं कितनी ट्यूब्स रिपर्चेज करी थी। आई रिमेंबर मैंने अपनी शादी के टाइम लिटरली यही सनस्क्रीन यूज करी है। मैं डेली शॉपिंग करने जाती थी, जब भी शादी के टाइम मैं यही लगा के जाती थी, कोई फाउंडेशन ऑल भी लगाती थी, बिकॉज ये टिंटेड है। इसको अप्लाई किया, हल्का सा कॉम्पैक्ट लगाया, एंड यू आर गुड टू गो। ये बायोडर्मा की फोटोडर्म एक्वा फ्लूइड SPF 50+ सनस्क्रीन। दिस इज फॉर सेंसिटिव स्किन, ऑल्सो दिस इज टिंटेड। इसका टिंट है क्लियर लाइट जो दिखता है कुछ इस तरह से, एंड आई थिंक इसके अंदर थोड़ा सा प्रोडक्ट होगा तो मैं आपको दिखा सकती हूँ, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा रनी है। अभी भी निकल रही है। आई थिंक इसको मैं निचोड़ सकती हूँ बिकॉज थोड़ी एक्सपेंसिव है, तो इसको मैं अभी और यूज़ करूँगी। सो इट्स लाइक अ वेरी नाइस लाइट रनी सनस्क्रीन, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। और ये टिंट है ना तो काफ़ी अच्छे से जो भी एक्ने मार्क्स हल्के फुल्के होते हैं ना उसको भी कवर कर देती है, तो मेकअप करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर आप डेली ऑफिस या वर्क के लिए कुछ ऐसी सनस्क्रीन देख रहे हो कि आपको अननेसेसरी ऊपर फाउंडेशन लगाना पड़े, दिस इज अ वेरी नाइस ऑप्शन। इसको लगाओ, हल्का सा इसके ऊपर कॉम्पैक्ट लगाओ, एंड यू आर गुड टू गो। अगेन वेरी वेरी नाइस, ये डर्मैट रिकमेंडेड है, डर्मैट अप्रूव्ड है। तो अगर आपकी ऑयली स्किन है तो ये काफ़ी अच्छी सनस्क्रीन है, बट द ओनली थिंग इज ये बहुत ज़्यादा नरिशिंग है, मतलब एकदम ड्यूई शाइनी हो जाती है उसको लगा के स्किन। तो ये मुझे विंटर्स में अच्छी लगती है, लाइक आई यूज इट फ्रॉम अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब, दैट्स इट। जो मार्च से लेके मई जून जुलाई वाली गर्मी होती है ना, आप इसको नहीं यूज़ कर सकते बिकॉज उस टाइम ये आपकी स्किन को ओवर ग्रीसी बना देगी। सो एट दैट टाइम यू हैव टू यूज सम मैट सनस्क्रीन, बट फॉर विंटर्स दिस इज अ वेरी नाइस सनस्क्रीन, मतलब जो नरिशमेंट देती है विद अ नाइस टिंट, दिस इज एक्चुअली अमेजिंग। नेक्स्ट वन इज ऑल्सो अ डर्मैट रिकमेंडेड प्रोडक्ट। मेरे पास सारे वही प्रोडक्ट्स हैं लास्ट ईयर मेरी डर्मैट ने बताए थे, बट दिस वन इज लाइक अ फेल फॉर मी बिकॉज ये मुझे इतनी ज़्यादा सूट नहीं करी। इसको लगाती मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे टिंगलिंग सेंसेशन होती थी, इचीचीनेस फील होती थी, और मैंने इसको लगाना बंद कर दिया था। सो इसमें काफ़ी सारा ये प्रोडक्ट, आई थिंक इससे भी ज़्यादा ऊपर प्रोडक्ट होगा, मैंने बहुत कम इसको यूज़ किया है। यह है एज ई क्लियर, इसका ना यह है एजिलिक एसिड, फेरुलिक एसिड, HPPA। ये बेसिकली जो उन्होंने दी थी मेरे जो एक्ने मार्क्स है ना उसको लाइट करने के लिए दी थी, बिकॉज इसके अंदर एजिलिक एसिड है, ये ब्लेमिशेस को लाइट
हाईलाइट करता है, पिगमेंटेशन जो भी स्कार्स होते हैं उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है. बट दिस इज़ आई फेल्ट इट इज़ वेरी हार्श फॉर माई स्किन. ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आती है. सो अगर आपकी डर्मेट रिकमेंड करती है, आई वुड से उनको बोलो कुछ और ऑल्टरनेटिव दे दें, बिकॉज ये इतनी ज़्यादा मुझे भी सूट नहीं करी. इससे अच्छी तो एजीडर्म है. सेम ये तो मॉइस्चराइजर फॉर्म में है ना, इसकी एक मेडिकेटेड ट्यूब आती है एजीडर्म, वो भी एजिलिक एसिड बेस्ड मेडिकेटेड ट्यूब है. उसको डायरेक्टली अपने एक्ने मार्क्स एंड ऑल पे लगा सकते हो. वो लाइक प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड है, तो मैं ऐसे नहीं बोलूंगी कि जाके ले लो. अगर आप डर्मेट से अप्रूव करा सकते हो फिर आप ले सकते हो, बट दैट इज़ बेटर. वो मेरे एक्ने मार्क्स को काफ़ी अच्छे से लाइटन अप भी करती थी एंड वो सूट भी करती थी, लेकिन ये मुझे बिल्कुल सूट नहीं करी. दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड टिंगलिंग ऑन माई स्किन, सो दिस इज़ डेफिनेटली नो फ्रॉम माई साइड. नेक्स्ट अप इज़ अ डिओड्रेंट. मैंने बहुत साल पहले डिओस बंद कर दिए थे यूज़ करना, बिकॉज ऑब्वियसली इनके अंदर बहुत ज़्यादा वो क्या कहते हैं, कुछ एक गैस टाइप होती है जो हमारे लिए भी अच्छी नहीं है, इनहेल करनी सेफ नहीं होती. तो मैंने बहुत पहले डिओस बंद कर दिए थे. आई थिंक कॉलेज के सेकेंड थर्ड ईयर में मैं बॉडी मिस्ट पर शिफ्ट हो गई थी एंड जो परफ्यूम्स एंड ऑल होते हैं नो डिओड्रेंट्स. बट रिसेंटली जब काइंड लाइफ ने मुझे PR किट भेजी थी, सो काइंड लाइफ इज़ अ वेबसाइट जहाँ पे लाइक सेफ फॉर स्किन, सेफ फॉर बॉडी प्रोडक्ट्स मिलते हैं कंजम्पशन के भी लगाने की, बहुत अच्छी वेबसाइट है. वहाँ पे बहुत सारे कोरियन प्रोडक्ट्स भी आपको मिल जाएंगे. आई हैव अ कोड विद देम एज वेल, आप जाके भी चेक कर सकते हो. सो उन्होंने मुझे अपने PR किट में भेजा था, दिस इज टू बी काइंड, मतलब ब्रांड का नाम यही है टू बी काइंड. ये आई स्मेल गुड डिओड्रेंट, दिस इज 0% एल्यूमिनियम सल्फेट नास्टीज, मतलब इसके अंदर कोई भी एल्यूमिनियम नहीं है, कोई सल्फेट नहीं है, कोई केमिकल नहीं है. एंड दिस इज एक्चुअली वेरी नाइस. इसका बहुत ही फ्लोरल खुशबू है. अभी भी आई थिंक निकलेगा नहीं, नहीं पूरा खत्म हो गया. जो आ रही है वो बिल्कुल हवाई आ रही है, हल्की हल्की डिओड्रेंट की खुशबू आ रही है. वेरी नाइस एंड प्लीजिंग. अगर आप एक अच्छा प्लीजिंग फ्लोरल डिओड्रेंट ढूंढ रहे हो ना, विच इज सेफ फॉर स्किन एज वेल, बिकॉज डिओज हम काफ़ी बार अपनी अंडरआर्म्स पे भी डायरेक्टली लगाते हैं, तो अगर उन पे केमिकल होता है ना तो आपके अंडरआर्म्स भी डार्क हो जाते हैं. सो उस सेंस में मुझे ये अच्छा लगा. दिस इज सेफ फॉर योर स्किन एज वेल, दिस इज हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक. अगर ये काइंड लाइफ पे अभी भी अवेलेबल होगा ना, मैं डेफिनेटली इसका लिंक नीचे डाल दूंगी, आप चेक कर सकते हो. नेक्स्ट अप वी हैव लॉट ऑफ फेस वॉशेज. मैंने बहुत सारे फेस वॉशेज फिनिश किए हैं लास्ट ईयर, लेकिन जो एक ब्रांड मेरी फेवरेट रही है वो आप पहचान भी सकते हो, इज दिस वन, बिकॉज मैंने रीपर्चेज करी थी. आई हैव लॉट ऑफ स्किन केयर प्रोडक्ट्स विद मी, और जब मैं कुछ स्पेसिफिकली खरीदती हूँ ना तो मतलब समझ जाओ मुझे वो बहुत पसंद आया, बिकॉज मैंने अपने सारे PR के प्रोडक्ट्स को साइड करके कुछ परचेज किया है. दिस इज लॉरियल पैरिस रीवाइटलिफ्ट हाइलुरोनिक एसिड हाइड्रेटिंग जेल क्लेंजर. आई थिंक पैकेजिंग से आपको ज़्यादा पता नहीं चलेगा, बिकॉज मैंने पूरी निचोड़ दी है. सो ये बड़े वाली जो पैकेजिंग है ये मुझे PR में आई थी. उन्होंने मुझे ये मॉइस्चराइजर देन सीरम, सीरम ही मेरे पास एम्प्टीज में है, या आई हैव द सीरम एज वेल. मैंने लिटरली पूरी रेंज इनकी एम्प्टी कर दी. ये रीवाइटलिफ्ट पर्पल वाली रेंज ना मेरी फेवरेट है, आई लव्ड इट. दिस इज वेरी नाइस फॉर सेंसिटिव एक्ने प्रोन स्किन, बहुत ब्यूटीफुली सूट करती है. सो ये उनकी बड़ी वाली पैकेजिंग है. जब मैंने इसको यूज़ करना शुरू किया, आई लव्ड इट. काफ़ी अच्छे स्किन क्लेंज हो रही थी, कोई भी ड्राइनेस नहीं हो रही थी, कोई स्ट्रेचीनेस नहीं आ रही थी, मतलब इट्स लाइक अ वेरी नाइस हाइड्रेटिंग क्लेंजर. अभी जो विंटर्स वाला वेदर चल रहा है ना, जब स्किन ऐसे सूखी सूखी रहती है, उस वेदर के लिए काफ़ी अच्छा क्लेंजर है. तो ये रिसेंटली जब मैंने फिनिश किया ना, मैंने अपना मिनी वाला परचेज कर लिया था, ये और आई थिंक द मिनी मॉइस्चराइजर. या मुझे सब कुछ एक साथ दिखाना चाहिए था, बट चलो कोई नहीं, रैंडम प्रोडक्ट्स आ रहे हैं. सो ये दोनों मैंने एक साथ परचेज किए थे कॉम्बो में. ये आता है, देन दिस मिनी मॉइस्चराइजर एंड दिस मिनी सीरम. ये मैंने पूरी कॉम्बो लिया था नायका से, सेल पर आपको बहुत सस्ते मिल जाता है, और मैंने पूरा खत्म कर दिया. ये विंटर्स के लिए तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, नॉट द मॉइस्चराइजर, लेकिन जो फेस वॉश है और सीरम है, ये विंटर्स का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है. सो अगर आप विंटर्स के लिए या फिर आपकी ड्राई स्किन है, आप एक अच्छा जेंटल क्लेंजर ढूंढ रहे हो, दिस इज द वन, डेफिनेटली चेक इट आउट. इसके तो आप फुल साइज बॉटल ले लो, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ आपको पसंद आने वाली है. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट मॉइस्चराइजर. नेक्स्ट अप वी हैव डर्मावीव का हाइड्रा क्लेंजर. दिस इज ऑल्सो रियली नाइस. ये समर्स के लिए काफ़ी अच्छा है, जेंटली स्किन को क्लेंज करता है, बिल्कुल भी लाइक ग्रीसी फील नहीं होती, लेकिन इसमें फोम नहीं बनता. अगर आपको अच्छे फोमी वाले फेस वॉश पसंद है ना, लाइक आप लगाते हो आपको लगता है हाँ एक अच्छा झाग बन रहा है, स्किन क्लेंज हो रही है, वो वाला सेंसेशन इसमें नहीं आती. बट ओवरऑल ये जेंटल क्लेंजर है. अगर आप ज़्यादा मेकअप नहीं करते, आप लाइक मेकअप करते ही नहीं हो, आप खाली स्किन केयर करते हो, दैट्स इट, तो उसके लिए जेंटल क्लेंजर है. लेकिन हैवी मेकअप वालों को ये प्रॉपर एक क्लेंजिंग वाली फील नहीं देगा. सो या ये एक बेसिक सा क्लेंजर है जिसकी मैं इतनी बड़ी फैन नहीं हूँ. एंड नेक्स्ट अप वी हैव विश केयर का सैल्सिलिक एसिड फेस वॉश, जो अगेन मेरा फेवरेट था समर्स का. ये मैंने पूरा निचोड़ दिया था. इट हैज 2% सैल्सिलिक एसिड, AHA टी ट्री ग्रीन टी. दिस इज स्पेसिफिकली मेड फॉर एक्ने ऑयली स्किन, इस पर यहाँ पे लिखा भी हुआ है. सो अगर आपकी भी ऑयली एक्ने प्रोन स्किन है, ट्राई दिस वन, दिस इज एक्चुअली वेरी नाइस. बड़ी बड़ी बॉटल्स हमने फिनिश कर दी, हम खाली छोटी छोटी बॉटल्स बची हैं. सबसे पहले है ये बायो ट्रू का अगेन लेंस सोल्यूशन. आई लॉट ऑफ लेंस सोल्यूशन बिकॉज ट्रैवलिंग के टाइम तो मुझे बहुत सारे चाहिए होते हैं. ये मिनी वाला है, मुझे बायो ट्रू और रेनो दोनों ही पसंद है, मेरी आईज को बहुत अच्छे से सूट करते हैं. सो या नेक्स्ट अप वी हैव बायोडर्मा का सेंसी बायो H2O माइसलर वाटर, अगेन माई फेवरेट. ये मेरा ट्रैवल साइज वाला है जो मैं हमेशा ट्रैवलिंग किट में यूज़ करती हूँ. वेरी नाइस फॉर ऑयली एक्ने प्रोन स्किन.
ओके नेक्स्ट अप वी हैव दिस नेल पेंट रिमूवर जो मैंने स्मिटन से मंगवाया था अपने ट्रायल पॉइंट से. ये है मास्किंग नेल पॉलिश रिमूवर पैड्स. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक एंड दिस इज वर्स्ट. मतलब इससे घटिया मैंने नेल पेंट रिमूवर कभी नहीं देखे. जो आपके लोकल मंडे ट्यूजडे मार्केट में 5-10 रुपीज के मिलते हैं ना, वो अजीब से शेप्स के कलर्स के, वो फिर भी बेटर होते हैं. बट ये तो बड़ा बेकार है. लो इसमें बच्चे भी हैं. मैंने यूज ही नहीं करे थे बिकॉज इससे नेल पेंट नहीं रिमूव होता था. ये ऐसे ऑयली ऑयली बना देता है नेल्स को. नेल पेंट भी नहीं हटता. सो यार दिस इज अ नेम फ्रॉम माई साइड. अगर आपको ये कहीं दिखेगा तो प्लीज इसको मत लेना. ओके नेक्स्ट अप इज समथिंग जो मैंने रिसेंटली फिनिश किया है जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो की आधा बचा है तो इसको फिनिश करके खत्म करते हैं. ये है इंडस वैली का बायो ऑर्गेनिक हेयर रीबॉर्न एलोवेरा जेल. तो ये एलोवेरा जेल है जो स्पेसिफिकली बालों के लिए बनाया है. लाइक आप उसको फेस पे ही लगा सकते हैं. दिस इज जस्ट फॉर हेयर. इसके अंदर भृंगराज है, वॉलनट ऑयल है. सो मैं इसको अपनी स्कैल्प पे भी लगाती हूँ और हेयर लेंथ पे भी लगा के या तो ओवरनाइट लगा लेती हूँ या फिर शैम्पू करने से 1-2 घंटे पहले एज अ प्री शैम्पू मास्क. और आप देख सकते हो मैंने पूरा एक खत्म कर दिया है. इट्स लाइक अ बेसिक एलो जेल. मतलब इतना कुछ वाओ इसमें इंग्रेडिएंट नहीं है. आप कोई बेसिक सा एलोवेरा जेल लो, उसके अंदर हल्का सा लेमन जूस डाल सकते हो या फिर कोई भी ऑयल मिक्स करके एक जेल अपना खुद भी बना सकते हो और उसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो. सो ये इतना कुछ खास प्रोडक्ट नहीं है. स्पेसिफिकली इसको लेने की जरूरत नहीं है. ओके नेक्स्ट वी हैव फ्यू मेकअप एज वेल बिकॉज मेकअप खत्म तो होता ही लेकिन मेकअप एक्सपायर जरूर हो जाता है. तो सबसे पहले है मेरे पास ये मस्कारा. दिस इज फ्रॉम मेबलिन हाइपर कर्ल वॉल्यूम एक्सप्रेस. सो मेरे पास जितने भी मस्कारा बचते थे ना मैं उनको थ्रो नहीं करती थी. माई मदर यूज टू यूज इट ऑन अ हेयर. लाइक यहाँ पे अगर हल्के फुल्के वाइट बाल हैं, कहीं फंक्शन में जाना है, पार्टी में जाना है, तो ऐसा एक्सपायर्ड वाला मस्कारा लिया, जस्ट उसको ऐसे कवर कर लिया. इससे हल्के से बाल टेम डाउन भी हो जाते हैं, ब्लैक भी हो जाते थे. सो मेरे जितने ही पुराने मस्कारा थे मैं उनको दे देती थी कि आप यूज़ कर लो. खाली ये वाला मस्कारा जो यहाँ पर है मेरे पास जो मैं यूज़ नहीं करती, ड्राई आउट हो गया है, वो है ये हाइपर कर्ल मस्कारा. एंड आई डोंट नो इफ यू गाइस नो और नॉट, मस्कारा की जो लाइफ होती है वो खाली 3 मंथ्स होती है. तो अगर आपने कोई भी मस्कारा ओपन कर दिया, लाइक ओपनिंग से इसकी लाइफ शुरू हो जाती है, ओपन कर दिया, यूज़ कर लिया, तो आफ्टर 3-4 मंथ्स आपको उसको थ्रो करना ही होता है बिकॉज इससे ज़्यादा उसकी लाइफ नहीं होती. सो ये भी 3-4 महीने चला है. इट्स लाइक अ नाइस डिसेंट कर्लिंग मस्कारा जो आप एवरीडे बेसिस पे यूज़ कर सकते हो. नेक्स्ट अप वी हैव लॉक्सीडाइन का ऑयल टू मिल्क फेशियल मेकअप रिमूवर इन्फ्यूज्ड विद इमोटेल एंड कैलेंडुला. दिस इज एक्चुअली अ वेरी नाइस ऑयल क्लेंजर. अगर आपको थोड़ा बहुत लाइक स्प्लर्ज करना पसंद है मेकअप ब्रांड्स में, आप थोड़ा बहुत अच्छा हाई एंड स्किन केयर यूज़ करना चाहते हो, तो आप ये डेफिनेटली ले सकते हो बिकॉज ये इतना सा ऑयल क्लेंजर 600-700 रुपीज़ का आता है. लाइक 500-600 का तो आता है, मुझे डेफिनेटली पता है, बट इट इज़ एक्चुअली वेरी गुड. बहुत अच्छे से लाइक मेकअप को ब्रेक डाउन करता है, रिमूव करता है. आजकल मैं इसका एक सस्ता ऑल्टरनेटिव यूज़ कर रही हूँ विच इज़ जॉनसन बेबी का ऑयल. जो बॉडी ऑयल आता है ना बेबीज़ का, उससे भी बहुत अच्छे से मेकअप रिमूव होता है. तो मैं आजकल वो यूज़ कर रही हूँ. 60-70 का आता है, उससे भी मेरा काम हो जाता है. लेकिन अगर आपकी एक्सट्रीमली सेंसिटिव स्किन है, एक्ने प्रोन स्किन है, आप कुछ यूज़ करते हो एक्ने हो जाते हैं, लेकिन ऑयल क्लेंजिंग करनी भी ज़रूरी है बिकॉज जो हैवी सनस्क्रीन होती है, जो हैवी मेकअप होता है, वो ऑयल क्लेंजिंग से ही रिमूव होता है. तो उस केस में आप ये वाला यूज़ कर सकते हो. इट एक्चुअली वर्क्स रियली वेल. नेक्स्ट अप इज अ प्रोडक्ट विच इज़ लाइक अ प्योर हार्ट ब्रेक बिकॉज इतना अच्छा एक कंसीलर था, इतने अच्छे से मुझे सूट करता था, मेरे स्किन टोन से एग्जैक्ट मैच करता था. मैं इसको हल्का सा लगाती थी, एक्ने मार्क्स पर फुल कवरेज मिलती थी, फालतू का मेकअप नहीं करना पड़ता था. बट आई वेंट टू बाली, मैंने इसको यूज़ किया और वहाँ पर एक दिन ये क्रैक हो गया. मतलब इसके जो ऊपर का 2 फुट एप्लीकेटर होता है वो इसके अंदर ही चला गया और अब ना प्रोडक्ट निकल रहा है ना कुछ हो रहा है, लिटरली स्टक हो गया. वैसे भी ख़त्म होने वाला था तो मुझे इतना दुख नहीं है, बट अभी भी इसमें काफ़ी सारे प्रोडक्ट है जो अब सैडली नहीं निकल सकता बिकॉज जो एप्लीकेटर है वो इसके अंदर ही चला गया है. दिस इज़ मिलानी कंसील एंड परफेक्ट लॉन्ग वेयर कंसीलर. एंड लेट मी टेल यू द शेड. अगर आपका मेरे जैसा स्किन टोन है, लाइक माई शेड इज़ NC25, मैं मेबलिन का 220-128 वॉर्म न्यूड यूज़ करती हूँ, तो आपको मैं एक रेफरेंस दे रही हूँ. इसका 140 विच इज़ प्योर बेज सूट्स रियली वेल. मतलब मेरा तो एग्जैक्ट टोन था, मैं इसको जहाँ पर भी एक्ने मार्क्स पर लगाती थी हल्का फुल्का डैप करती थी, दैट्स इट. मुझे फुल कवरेज मेकअप करने की जरूरत नहीं होती थी. सो ये तो मैं डेफिनेटली लेने वाली हूँ. दिस इज समथिंग दैट आई हैव टू बाय एंड यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट. ये मैंने सो कल्ट की ऐप से लिया था 50% ऑफ में. अगर अभी भी अवेलेबल होगा आप चेक कर सकते हो, अदरवाइज नायका का लिंक मैं नीचे दे दूंगी. नेक्स्ट वी हैव लैक्मे एब्सोल्यूट शाइन लाइन. ये तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट लिक्विड आई लाइनर है. सिंस कॉलेज डेज मैं इसको यूज कर रही हूँ. आई थिंक लाइफ में अब तक मैं इसकी 6-7 बॉटल्स खाली कर चुकी होंगी. और ये भी मैंने अपनी शादी से पहले लास्ट ईयर ही लिया था. मैंने पूरा इंटायर ईयर इसको यूज किया है और अभी भी इसमें है, लेकिन ये
ड्राई आउट हो गया, बिकॉज एक दो बार जब मैंने ट्रैवल किया था ना, मैंने इसको प्रॉपरली ऐसे बंद नहीं किया, और जब इसको प्रॉपर बंद ना करो ना तो फॉर्मुलेशन ड्राई आउट हो जाती है। सो या ये हल्का फुल्का ड्राई आउट हो चुका है, बट अ वेरी नाइस लाइनर, ये एब्सोल्यूट शाइन लाइन, तो मैं डेफिनेटली सबको रिकमेंड करूंगी। इट स्टेज ऑन रियली वेल, ये स्मज नहीं होता, इतनी जल्दी रिमूव नहीं होता, वाटर प्रूफ है, एंड फॉर द प्राइस पॉइंट इट इज एक्चुअली वेरी गुड। जब भी नायका पर सेल लगती है ना, लाइक समर सेल, पिंक फ्राइडे सेल, ये 50% ऑफ पे मिलता है, एंड आई ऑलवेज रिकमेंडेड, इट इज समथिंग दैट यू हैव टू ट्राई। नेक्स्ट अप इज एन एक्सपायर प्रोडक्ट, ये है पर्पल का टू मच डुअल हाईलाइटर, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। ये बहुत साल से मेरे पास रखा हुआ था और फिर रिसेंटली मैंने इसकी डेट देखी, बेचारा एक्सपायर हो गया था, बड़ा दुख हुआ। ऐसे प्रोडक्ट जब एक्सपायर हो जाते हैं ना तो बड़ा दुख होता है कि यार यूज ही नहीं किया अच्छे से, एक्सपायर भी हो गया। सो ये डुअल हाईलाइटर, आई एम नॉट रियली श्योर ये पर्पल पे अभी भी मिल रहा है नहीं मिल रहा, बट इसमें एक साइड गोल्डन मिलता है, लाइक अगर आपकी हल्की सी डार्क या फिर टैन स्किन है तो ऐसे गोल्डन वाला हाईलाइटर आप लगा सकते हो, और अगर आप फेयर स्किन टोन के हो तो आप ऐसा सिल्वर बेस्ड हाईलाइटर लगा सकते हो। बहुत अच्छा ये प्रोडक्ट है, अभी मेरा मन नहीं कर रहा है इसको फेंकने का, बट सैडली एक्सपायर हो चुका है। सो यार नेक्स्ट अप इज अ विटामिन सी सीरम, विच इज एक्चुअली वेरी गुड, लेकिन रिसेंटली क्या हुआ, मैंने उसको किसी ड्रॉअर में रख दिया था और मैंने इसको काफी टाइम तक यूज नहीं किया, और ये फ्रंट से ना ऐसे ऑक्सीडाइज हो गया। सो विटामिन सी सीरम के साथ क्या प्रॉब्लम होती है, ये बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, अगर आप धूप में रख दोगे, ओपन में रख दोगे, या फिर बहुत टाइम से यूज नहीं करोगे ना, तो उसका फॉर्मुलेशन या तो चेंज हो जाएगा या फिर वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और इसके साथ यही हुआ। आप देख सकते हो इसकी बॉटल पे ऐसे ब्लैक ब्लैक हो गया है। सो प्रोडक्ट जो है वो यहाँ से पूरा ऑक्सीडाइज हो गया है। सो अब मुझे इसको यूज करने का मन नहीं है, बिकॉज जस्ट इन केस यहाँ से कोई डिस्पेंस होता है, अगर उसमें भी वो पार्टिकल्स आ जाएंगे, देर इज अ चांस ऑफ एक्ने ब्रेकआउट, तो मैं ऐसे रिस्क नहीं लेती। बट ये बहुत अच्छा सीरम था, ये है फॉक्सटेल का ब्राइटनिंग वाइटामिन सी सीरम, ये बूस्ट करता है कोलाजन प्रोडक्शन को, विजिबली रिड्यूस करता है डार्क स्पॉट्स को, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। सो आई विश इसकी भी पंप वाली पैकेजिंग होती, लाइक वो जो सीरम वाली ड्रॉप वाली पैकेजिंग होती है ना, नॉट पंप वाली पैकेजिंग, दैट सीरम ड्रॉप वाली पैकेजिंग, अगर वो होती तो अच्छा रहता, बिकॉज उसमें एकदम एयर टाइट करके अगर आप कहीं डार्क में रख दो ना तो वो फिर भी चल जाता है, बट सिंस ये पंप वाली थी ना तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट था वो ऐसे ब्लैक ब्लैक हो गया है, और इसमें भी बहुत सारे प्रोडक्ट है तो मेरा मन भी नहीं है, बट सैडली आई हैव टू थ्रो इट। फाइनली कमिंग टू द लास्ट प्रोडक्ट जो मैंने रिसेंटली फिनिश किया है, दिस इज द डॉक्टर शेट्स नीम एंड सैलिसिलिक एसिड बॉडी वॉश। डॉक्टर शेट्स के बॉडी वॉशेस काफी अच्छे हैं, बहुत सारे वेरियंट्स में भी आते हैं, दिस वन इज स्पेसिफिकली फॉर बॉडी एक्ने। मुझे बैक पर और नीचे का जो बम एरिया होता है वहाँ पर एक्ने और रैशेस के इश्यूज रहते हैं, तो मैं हमेशा एक केमिकल एक्सफोलियंट बेस्ड बॉडी वॉश यूज करती हूँ, नॉट रेगुलरली, लाइक वीक में एक या दो बार यूज करती हूँ, ज्यादा इतना यूज नहीं करती। सो ये डीपली क्लेंस करता है, एक्सफोलिएट करता है, प्रिवेंट करता है एक्ने को। सो अगर आपको बॉडी एक्ने के इशू है ना, आप ये बॉडी वॉश यूज कर सकते हो, डेफिनेटली आपको ब्यूटीफुली सूट करने वाला है। द ओनली थिंग इज ये इतना फोम नहीं होता, जो वो फ्लोरल और खुशबू वाले बॉडी वॉशेज होते हैं ना, वो बड़े बहुत ज्यादा ऐसे फोम हो जाते हैं, लूफा में बहुत हैवी फोम बनता है, लेकिन इसके साथ वाला केस नहीं है, ये इतना ज्यादा फोम नहीं होता। बट इट इज एन एक्टिव बेस्ड फेस वॉश, तो ये टारगेट पे बहुत अच्छे से वर्क करता है। डॉक्टर शेट्स पर जब भी बाय वन गेट वन सेल आया ना, वैसे तो मैं बताती रहती हूँ अपने इंस्टाग्राम पर भी, पर जब भी आया आप ये डेफिनेटली ले सकते हो, दिस इज एक्चुअली वेरी नाइस। विद दिस माय प्रोडक्ट एमटीज आर ओवर, आई होप ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल रही होगी, बहुत सारे अच्छे अच्छे रिकमेंडेशंस मैंने दिए हैं, जो प्रोडक्ट्स मुझे पसंद आए हैं, जो मैंने डेफिनेटली ये बोले हैं, उन सबके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, यू कैन डेफिनेटली परचेज इट। इसके अलावा आप मेरी 2023 फेवरेट वीडियो भी देख सकते हो, मैंने उसके अंदर अपने सारे एक्ने स्किन केयर, बॉडी केयर, हेयर केयर के सारे रिकमेंडेशंस बताए हैं, एंड ऑफकोर्स आई कीप डूइंग सम नाइस मंथली फेवरेट्स एंड अदर रिकमेंडेशन एज वेल। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो जस्ट इन केस आप नए आए हो, सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर मोर अपडेट्स एंड शॉर्ट रिव्यूज, एंड या दैट इज इट फॉर टुडेज़ वीडियो, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।